اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال عز من قائل سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال عز من قائل سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका आपकी शान आपका मुकाम मर्तबा आपकी रिफ़त व मंजिलत अल्लाह के यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम महब्बत व खुल्लत ऐसा अजीम मकाम है कि बाज़ दफ़ा मैं गौर करता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि इंसानी तारीख में जितनी भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ व मदहत में तौसीफ में आप अलैहिस्सलाम की अज़मत में जो भी कहा गया है लिखा गया है बयान किया गया है पढ़ा गया है सुना और सुनाया गया है उनमें सबसे खूबसूरत अल्लाह के पैगंबर की तारीफ ख़ुद अल्लाह के कुरान मजीद में है। उससे खूबसूरत तारीफ ना कोई कर सका है और ना ही की जा सकती है। और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तारीफ और सना में जो कुछ कहा है उनमें एक एक आयत एक एक मकाम आप अलैहिस्सलाम की एक एक सिफत ऐसी है कि उसको सुनने से ईमान में और महब्बत में इजाफ़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर का तस्किरा भी अल्लाह ने कुरान में किया है आपकी मुबारक आँखों का तस्किरा भी अल्लाह ने कुरान में किया है आपकी निगाह इल्तिफात का तस्किरा भी अल्लाह ने कुरान में किया है आपके बोलने का तस्किरा भी अल्लाह ने कुरान में किया है
आप अलैहिस्सलाम के घर में जो राज़ो नियाज और खलवत की बातें थीं उनका तज़किरा भी अल्लाह ने कुरान में किया है, आपके शहर का तज़किरा भी अल्लाह के कुरान में है, और जिन गलियों में आप चलते थे उनका तज़किरा भी अल्लाह के कुरान में है, आपकी अज़वाजे मुतहरात का तज़किरा भी अल्लाह के कुरान में है, आपके असहाब और साथियों का तज़किरा भी अल्लाह के कुरान में है, आपकी ज़िंदगी का तज़किरा भी अल्लाह के कुरान में है, और आपकी वफ़ात का तज़किरा भी अल्लाह के कुरान में है। चंद आयात आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद हम असल मौज़ू की तरफ आते हैं। आपके एक एक उज़्वे मुबारक का तज़किरा किस खूबसूरती के साथ है, और वो भी किसी शायराना अंदाज में नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम। देखिए आपके चेहरे का तज़किरा कैसा किया अल्लाह ताला, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। यकीनन हम देख रहे हैं कि आपका चेहरा आसमानों की तरफ उठ रहा, जो आपके दिल में आरजू है हम किबला वैसे ही कर देंगे जैसे आप दिल में चाह रहे हैं। आपकी आंखों का तज़किरा अल्लाह के कुरान ने कैसे किया, जब मैं उसे मेराज पे अपने साथ हम कलामी के लिए और वही के लिए लेके जा रहा था, और मैं उस अपने पैगंबर को बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखा रहा था, तो उसकी आंखें ऐसी थीं माज़ाल बसर व मा तगा, जो मैं उस पैगंबर को दिखाना चाहता था ना उससे इधर उधर हटती थीं, और ना ही उसकी आंखें ऐसी थीं कि जितना मैं दिखाना चाहता था उससे आगे भी नहीं जाती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ुबानी मुबारक का तज़किरा कुरान मजीद में कैसे किया है, दुनिया का कोई नात खां वैसे नहीं कर सकता जैसे अल्लाह ने अपने कलाम में नात की है, जैसे कुरान मजीद में आपकी खूबियाँ बयान की गई हैं दुनिया का कोई इंसान वैसे बयान कर ही नहीं सकता है। आपके लब जब हिलते हैं आप गुफ्तगू करते हैं तो अल्लाह उसका तज़किरा कैसे करते हैं, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى सितारों की कसम है जब वो वही की हिफाजत के लिए टूट के गिरते हैं और शयातीन को मुदाखलत नहीं करने देते, तुम्हारे साहिब
जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं ये कभी भी इधर उधर भटके नहीं हैं, कभी इन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई गलती नहीं की है। गलती करना अमल में तो दूर की बात है, ये तो वो हस्ती है कि इनके लब तब हिलते हैं जब मैं आसमानों से इशारा कर देता हूँ। وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलवत और तन्हाई के अंदर अपने घर में भी कोई बात करते हैं तो अल्लाह उसका तज़किरा भी कुरान मजीद का हिस्सा बना देते हैं। وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, ज़रा उस बात का तज़किरा कीजिए जो पैगंबर अपनी अजवाज मुतहरात से चुपके चुपके और आहिस्ता आहिस्ता कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ, आपका बदन मुबारक सर मुबारक से लेके कदम मुबारक तक एक एक चीज़ का तस्किरा इस अंदाज में कुरान मजीद के अंदर है कि वो हमें रोकता है, सोचने पे मजबूर करता है कि पैगंबर को वैसे समझा जाए जैसे अल्लाह का कुरान समझाना चाहता है। आपके सीने अतहर का तस्करा, सीने में दिल का तस्करा, दिल में ख्यालात का तस्करा, दिल में परेशानियों का तस्करा, दिल में गमों का तस्करा, दिल में इज्तराबात का तस्करा, दिल में घुटन का तस्करा, फिर सीने के खुलने का तस्करा, फिर दिल में नूर का तस्करा, दिल में ईमान का तस्करा, दिल में यकीन का तस्करा, यकीन की कैफियत का तस्करा, अल्लाह से मोहब्बत का तस्करा, जन्नत के शौक का तस्करा, जहन्नम के खौफ का तस्करा, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के सीने की ये सारी कैफियत हमें अल्लाह के कुरान के सफ़ों में मिलती है। जब आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही थी और आप इतनी परेशानी और घुटन में थे कि अपने भी कह रहे हैं नऊज़ बिल्लाह दीवाना है, बेगाने भी कहते हैं मजनू है, कोई कह उठता है साहिर है, कोई कह उठता है इस पे कोई आसेब है साया है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, पूरे ख़ानदान में एक फ़र्द भी नहीं है जो पूरी जमा मर्दी के साथ साथ खड़ा हुआ हो। मुखालफत है अपनों की, मुखालफत है बेगानों की, कत्ल की साजिशें हैं, जान से मार देने की धमकियां हैं, सजदे में जाते हैं तो ओझड़ियाँ ऊपर फेंक दी जाती हैं, कभी कदम नापाक आपके मुबारक गर्दन पर रखने की गंदी और नापाक जसारतें होती हैं, कभी आपके साथियों को मक्का की गलियों में घसीटा जाता है, सीनों पे पत्थर रखे जाते हैं, गले में रस्से बांध जाते हैं और ओबाश और गुंडे यूं पकड़ के खेलते भी हैं घसीटते भी हैं, कभी सुमैया को बांध के दो लख और दो टुकड़े कर दिया जाता है। रहम दिल इंसान तो जानवर और एक गधे के ऊपर जुल्म देखे तो उसका दिल पसीज जाता है। और आप अंदाज़ा कीजिए रहमतें दो जहां जब अपने साथियों को घिसटता देखते होंगे तो आपके दिल में क्या परेशानी आती होगी। जब आप देखते होंगे कि मेरे एक मानने वाले उसको खड़ा किया गया है, उसकी बीवी को खड़ा किया गया है, उसके बेटे भी सामने हैं और यासर के पूरे ख़ानदान पे हर तरह का जुल्म किया जा रहा है और आप पास से गुज़रते होंगे सुनते होंगे तो आपके सीने में उस वक़्त क्या तकलीफ़ होती होगी। अल्लाह ने उस तकलीफ़ का भी तस्करा किया और उस तकलीफ़ को दूर करने का नुस्खा भी बताया। बीमार
نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هم جانتے ہیں یہ نہ سمجھنا ہمیں پتہ نہیں ہے. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم اچھی طرح جانتے ہیں. انک یضیق صدرک بما یقولون, جو کچھ مکہ میں کہا جا رہا ہے اور یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اس سے آپ کے سینے میں گھٹن اور پریشانی آتی ہے, ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا, اور اس گھٹن اور پریشانی کا بھی تذکرہ کیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ پریشان نہ ہونا, دیکھنا یہ ساری پریشانیاں ختم کیسے ہوتی ہیں اور حالات بدلتے کیسے ہیں. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ نے بہت خوبصورت محبت والا انداز اپنایا. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اندازہ تو کیجئے آپ کی پریشانیاں کتنی ہوں گی. پھر یہ تصور کیجئے کہ اللہ کو آپ سے محبت کیسی ہے اور حوصلہ دینے کا انداز کیسا ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. مجھے قسم ہے سورج کی اس دھوپ کی جو چمکنے لگتی ہے, اور مجھے قسم ہے رات کی جب چھانے لگتی ہے. کیا مطلب؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جس طرح رات کبھی رات نہیں رہتی, اندھیرا سدا نہیں رہتا ہے. رات ختم ہو جاتی ہے نا, اندھیرا چھٹ جاتا ہے نا, پھر صبح پھوٹتی ہے نا, پھر سورج نکلتا ہے نا, پھر روشنی ہوتی ہے نا, پھر دھوپ پھیلتی ہے نا, کونے کونے میں پھیل جاتی ہے. مجھے قسم ہے جس طرح میں نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے کہ رات لاتا ہوں تو دن بھی لاتا ہوں, کیا ہوا اگر آپ کی زندگی میں اس وقت اندھیرے ہیں؟ تو وہ رب جو اندھیروں کے بعد دن کی روشنی لاتا ہے, آپ کی زندگی میں بڑی روشنیاں آنے والی ہیں. حوصلہ ہے آپ کے لیے ڈائریکٹ اور امت کے لیے انڈائریکٹ. ہم تھوڑی سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں, مہنگائی ہوئی اور اسی پہ ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, اور اس پیغمبر کا ماننے والا امتی خود کشی پہ اتر آیا, اس نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والا تھوڑی سی مہنگائی سے تنگ آ کے اس نے اپنے بچوں کی گردن پہ چھریاں چلا دی, اس نے اپنی بیٹی کو مار ڈالا, اس نے اپنی گردن پہ گن رکھ کے اپنے آپ کو ختم کر ڈالا. اس نے کیا سیکھا کہ محبت ہوتی کیا ہے؟ اور اس نے کیا جانا کہ مصطفیٰ کی سیرت ہوتی کیا ہے؟ اور اس سے زندگی گزارنے کے گر کیسے ملتے؟ وہ پیغمبر جس نے اتنے فاقے کاٹے ہوں کہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے ہوں, جتنے اتنی مشکلیں دیکھی ہوں کہ زندگی میں اپنی بیٹی کا بھی جنازہ اٹھایا, بیٹے کا بھی جنازہ اٹھایا, چچے کے جسم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے دیکھا, جس نے اپنی زندگی میں ساتھیوں کو مار کھاتے دیکھا, جس نے اپنی زندگی میں دشمنوں کی ایسی سازشیں دیکھیں کہ کھانے میں زہر بھی ملا کے دیا گیا, ایسے ایسے اوباش اور غنڈے دیکھے
जिन्होंने आपकी एड़ियों पे पत्थर मार मार के आपको लहूलुहान भी किया, जिस पैगंबर ने इतनी परेशानियां देखी, क्या उसका उम्मती इतना ही कम हिम्मत होता है? उसका चाहने वाला इतने हौसले का कमज़ोर होता है कि छोटी छोटी बातों पे, मामूली मामूली बातों पे वो अपना घर उजाड़ लेता है, वो मायूस हो जाता है, वो खुदकुशी पे उतर आता है? ज़रा इस सूरत को पढ़ें तो सही, फिर इससे कुछ सीखें तो सही। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु ख़ैरुन लका मिनल ऊला। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी आपको ये होती होगी, ए अल्लाह तू तो नाराज़ नहीं हो गया, तेरी कोई नाराज़ी तो नहीं है? और फिर जब खुसूसन दुश्मन भी कहते होंगे कि ऐसे हालात और नबूवत का दावा करने के बाद ये परेशानियाँ और वही का बंद हो जाना, लगता है कि तेरे ऊपर नऊज़ु बिल्ला एक खबीस औरत ने यहाँ तक कह दिया कि तेरे शैतान ने तेरा साथ छोड़ दिया है, और आपके दिल पे क्या बीती और अल्लाह ने कैसे हौसला दिया। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ना तेरे रब ने छोड़ा है, ना वो नाराज़ हुआ है, उसने हर चीज़ का वक्त लिखा होता है। अभी ये वक्त है तो वो वक्त भी आने वाला है कि आपकी ज़िंदगी का हर आने वाला लम्हा पहले से बेहतर ही होता जाएगा। وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى। आपका रब आपको इतनी कुछ इतना कुछ देगा, वो इनायतें करेगा कि बस तू निहाल हो जाएगा, तू खुश हो जाएगा और राज़ी हो जाएगा। फिर अल्लाह ने याद दिलाया, आप पे तो इससे मुश्किल मरहले आ चुके हैं ना, जब आपने आंख खोली थी तो आपका बाप तो दुनिया में नहीं था, तो मैंने तो उस वक़्त भी आपका साथ नहीं छोड़ा था, यतीमी में भी आपको संभाला था जब आपके पास कुछ नहीं था, और उस वक़्त मैंने आपको बहुत कुछ दे दिया था जब आप तलाश में थे, हक की तलाश में थे, मुझ तक पहुंचना चाहते थे, मेरी सिफात जानना चाहते थे, मेरे नाम जानना चाहते थे, मेरे साथ ताल्लुक कायम करना चाहते थे, और आप मक्का की गारों में, गारे हिरा में चले जाते थे। अल्लाह तू है, मैं जानता हूँ तेरी सिफतें, तेरे नाम, तेरी शरीयत, तेरे अहकाम, तू किससे राज़ी होता है, किस चीज़ से नाराज़ होता है, मुझे इसका नहीं पता है। जब तू मेरी तलाश में था तो मैंने तो उस वक़्त भी गार के अंदर फरिश्ते को भेज के तेरा हाथ थामा था कि नहीं? फिर इस सीने को कैसे खोला उसका भी तस्करा, फिर परेशानियां कैसे दूर की उसका भी तस्करा, और इस सीने में नूर कैसे पैदा किया उसका भी तस्करा, दुश्मनों का नाम मिटाया कैसे और पैगंबर का नाम उठाया कैसे इसका भी तस्करा अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया हुआ है। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अनका विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا। वक़्त कम है, सच्ची बात यह है कि अगर मैं इस कुरान को सूरह बकरा से शुरू करूँ और सूरह अन्नास पे मुकम्मल कर दूँ तो अल्लाह के पैगंबर के बारे में कुरान की आयतें इतनी ज़्यादा हैं कि सालों गुजर जाएंगे और कुरान की रोशनी में अल्लाह के पैगंबर का तज़किरा ख़त्म नहीं होगा। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमने आपकी सीरत को भी शायरों से सीखा, आपके हालात ज़िंदगी को भी इधर उधर से पकड़ा, कहानियों से जोड़ा, अपनी तरफ से अफसानों के साथ जोड़ा। अल्लाह के पैगंबर की सीरत का सबसे बड़ा मस्तर, सबसे बड़ा सरचश्मा,
सबसे बड़ा माखज अगर है तो अल्लाह का कुरान है, और अल्लाह के कुरान के बाद हदीस की किताबें हैं। आप अलैहि सलातु वस्सलाम की एक एक चीज का तस्करा कुरान मजीद में यूं मिलता है कि यहां तक भी हमें मिल जाता है कि अल्लाह अपने पैगंबर के शहर का तस्करा करते हैं, और शहर का तस्करा भी बड़े निराले अंदाज में करते हैं। ला उकसिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں आप रहते हैं, क्या अंदाज है। मुझे कसम है इस शहर की, वह अंत हिल्लुन और आप हिल्लुन क्याम पजीर हैं, रह रहे हैं इस शहर में। एक और माना हिल्लुन का मुफस्सरीन ने किया, वो अपनी जगह पे बड़ा मुनफरद माना है। मुझे शहर है इस मुझे कसम है इस शहर की। किस शहर की? जिस शहर में आपकी इज्जत को लोगों ने हलाल समझ रखा है। मुझे कसम है इस शहर की, जिस शहर में आपकी नामूस को लोगों ने मामूली समझा हुआ है। मुझे कसम है इस शहर की, जिस शहर में आपको पत्थर मारे जा रहे हैं। मुझे कसम है इस शहर की, जिस शहर में आपके नाम को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप परेशान ना होना, असल बात यह है कि हमने इंसान की किस्मत लिखी ऐसे है कि एक के बाद दूसरी उस पर परेशानी आती रहती है। हमने तो इंसान को पैदा ही ऐसे किया है। आप माँ के पेट में थे, कैसे तंग थे आप, कैसे बंद थे आप, कैसे अंधेरे थे आपके, ना आप देख पाते थे, ना आप सुन पाते थे, ना आप पकड़ पाते थे, ना आप चल पाते थे। माँ के पेट में तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से शुरू हुई थी, फिर हमने उस मुश्किल को कैसे खोला था। माँ के पेट से निकलने के रास्ते हमने कैसे आसान किए थे, फिर आंखों की बिनाइयां कैसे दे दी थी, फिर हाथों की ताकत कैसे दे दी थी, जुबान की कुव्वते गोयाई कैसे दे दी थी, पांव को चलने की हिम्मत कैसे दे दी थी। मुझे कसम है इस शहर की कि ये मामलात इसलिए नहीं है कि कोई और मसला है, नहीं, ये इसलिए हैं कि अल्लाह ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि उस पर एक के बाद एक कोई ना कोई मुश्किल आती ही रहती है, और मुश्किल से गुजर गुजर कर ही वो सोना बनता है। भट्टी के अंदर डालने से ही वो बनता है जो उसका रब चाहता है। उसके दिल में वो नरमी और गुदास पैदा होता है जो उसके रब को प्यारा लगता है। हाँ, ये आपके दुश्मन ये समझते हैं कि इनको कोई पकड़ने वाला नहीं, ये आपके दुश्मन ये समझते हैं कि इनको कोई नहीं देख रहा। ये जालिम लोग सोचते क्यों नहीं, जिस रब ने इनको दो आंखें दी हैं, जिस रब ने इनको जुबान दी है, जिस रब ने इनको दो होंठ दिए हैं, क्या वो रब इनको देख नहीं रहा और इनकी करतूतों को देख नहीं रहा। बात तवील ही हो गई, कैसे कैसे क्या क्या किस किस चीज का तस्करा करें। एक आयत को पढ़ के मैं बहुत अहम पैगाम की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इस आयत में एक और ही अपनाइयत है, एक और ही शान है, एक और ही आपका मकाम है। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू صلوا عليه وسلموا تسليما
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہم نے اس آیت کو بہت سنا ہے لیکن شاید سمجھا نہیں ہے, بہت سنا ہے لیکن شاید اس پہ غور نہیں کیا, بہت سنا ہے اس کو اپنے دلوں پہ اتارا نہیں ہے, بہت سنا ہے اسے اپنے رگ و ریشے کا حصہ نہیں بنایا. میں تو یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا اپنے پیغمبر کے ساتھ تعلق کتنا کمزور ہے, ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے میرا کردار کتنا گھٹیا ہے, میری نسبتیں کتنی اونچی ہیں, میری حرکتیں کتنی گری ہوئی ہیں, میرا تعلق کتنا اونچا ہے اور میرا کردار کتنا گھٹیا ہے. اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. اللہ جس پیغمبر کی عرش پہ بیٹھ کے تعریفیں کرتا ہو, ہم نے اس پیغمبر کی زندگی پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالا ہے, جس پیغمبر کی زندگی کا یہ عالم ہو کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو کے فرشتوں کے سامنے اس پیغمبر کی شان بیان کرتا ہو, پتہ نہیں وہ کیسے شان بیان کرتا ہوگا. ہم نے تو پوری زندگی آیت سمجھی ہی نہیں, کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے. ہم تو درود ایسے پڑھتے ہیں نا, اللہم صل علی محمد, اے اللہ ہمارے پیارے نبی پہ درود نازل فرما دے. اب اللہ نے تو یہ نہیں کہنا نا, اللہ تو خود ذوالجلال والاکرام ہے, ذوالمن والعطا ہے, ذوالجود والسخا ہے. اب اللہ نے تو اللہم صلی علی محمد نہیں کہنا نا, اللہ کے تو اپنے انداز ہیں درود بھیجنے کے. یہ سیکھیں سلف صالحین سے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا, امام ابو العالیہ نے بتایا, انہوں نے صحابی سے سیکھا, صحابی نے پیغمبر سے سیکھا, پھر ہی انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہوتا ہے, ہوا ثناؤہ علیہ, کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے پیغمبر کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. وہ دیکھو میرے آخری پیغمبر نے میرے کلمے کے لیے کیسے ماریں کھائی تھیں, وہ دیکھو میرے آخری پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کے لیے کیا محنتیں کی تھیں, وہ دیکھو میرے پیغمبر نے میرے نام کو اونچا کرنے کے لیے کیسے پتھر کھائے تھے, وہ دیکھو میرے پیغمبر نے میرے قرآن کو پہنچانے کے لیے دن رات کیسے لگایا تھا, وہ دیکھو میرے پیغمبر نے بدر و احد کے میدان میں شجاعت کی داستانیں کیسے رقم کی تھیں, وہ دیکھو میرے پیغمبر نے میری خاطر اپنی پوری خاندان کی دشمنی کیسے مول لی تھی, وہ دیکھو میرے پیغمبر نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے سجدوں میں گر گر کے مجھے کیسے یاد کیا تھا, وہ دیکھو میرے پیغمبر نے میری تعریف کے لیے کیا کیا الفاظ کہے تھے, وہ دیکھو میرے پیغمبر نے دنیا کے نقشے پہ اور دنیا کے عالم پہ کیسے میری تعریف اور عظمت کے جھنڈے لہرائے تھے. یہ آیت 21ویں صدی کا نوجوان پڑھے اور وہ نوجوان پڑھے جس کے پاس پیغمبر کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے, جو دن میں 10-10 گھنٹے فلمیں دیکھتا ہے, جو 3-3 گھنٹے کے ڈرامے دیکھتا ہے اور اس کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں, پیغمبر کی سیرت کے مطالعہ کی فرصت نہیں, پیغمبر کے حالات پڑھنے کا جاننے کا وقت نہیں, پیغمبر کی سیرت کو سنتوں کو جاننے پہچاننے کا کوئی اس کے پاس فرصت کے لمحے ہی نہیں, اسے تو شرم آنی چاہیے, اسے تو یہ آیت پڑھتے ہوئے رونا چاہیے, اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. یہ آیت وہ بھی پڑھے
जो पैगंबर की हदीसों को रिजेक्ट करता हो, इधर उधर करता हो, तवीलें करता हो, ये आयत वो भी पढ़े जो पैगंबर की बातों के सामने अपने इमामों के कौल पेश करता हो, जो पैगंबर की हदीस के सामने बुजुर्गों की कहानियां और किस्से छेड़ता हो, तो उसे तो शर्म आनी चाहिए। इस आयत के माने पे ही गौर करके, मुझे पैगंबर कैसा मिला और मैंने उसके साथ ताल्लुक कितना कमजोर रखा। إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا। اس پیغمبر پہ سب سے پہلا हमारे ताल्लुक़ का हक ये बनता है, इस पैगंबर का हमारे ऊपर, हम इन पे कामिल ईमान लाएं, ईमान लाएं, ईमान, ईमान, ईमान कोई और ही चीज़ होती है जो दिल की दुनिया को बदल देता है, जो सोच के जाविये बदल देता है, जो फिक्र को बदल देता है, आइडियोलॉजी को बदल देता है, नज़रिए को बदल देता है, तर्ज़ ज़िंदगी को बदल देता है, लाइफस्टाइल को चेंज करके रख देता है। ईमान, ईमान होता है, ईमान बड़ी चीज़ होती है, और ईमान भी उस पैगंबर पे कि जिसने नबूवत मिलने के बाद कभी सस्ता के आराम करके देखा ही नहीं, और ईमान भी उस पैगंबर पे जो वादियों में भी लेटा पूरा पूरा दिन घोड़े की पीठ पे, तलवार के साए में, नेज़ों की अन्नियों के सामने, और रात को लेटा है, तो कैफियत ये है कि सहाबी कहते हैं ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे, एक सिसकियाँ, एक आहें थीं, पैगंबर था, सजदे थे, ज़मीन थी, और आप कह रहे थे उम्मत ही उम्मत ही, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। सिर्फ कहने से कोई माँ नहीं बनती है, सिर्फ कह देने से कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसके सीने में माँ वाली मोहब्बत नहीं आ सकती, उसके दिल में माँ वाले जज्बे नहीं आ सकते। किसी के सिर्फ बोल देने से मैं तुम्हारा बाप हूँ, उसके अंदर बाप वाले जज्बे नहीं आ सकते। किसी को सिर्फ कह देने से कि तू मेरी बेटी है, उसके लिए दिल में वो जज्बात पैदा होना बहुत मुश्किल है जो अपनी हकीकी बेटी के लिए होते हैं, जो जिगर का टुकड़ा होती है। सिर्फ ये कह कि मैंने आपको माना है, बात तो नहीं बनने वाली, काम पूरा नहीं होने वाला। ये तो उन आराब ने अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी में भी आके सामने बैठ के कहा था, हमने आपको माना है, हम आप पे ईमान लाएं। अल्लाह ने कहा तुम ना कहो हम ईमान लाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दो कलमा पढ़ लिया है। तुम ईमान नहीं लाए। قالت الأعراب آمنا, 26वां पारा है सूरह हुजरात। قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا, तुम ये ना कहो हम ईमान लाए, तुम ये कह दो हमने कलमा पढ़ लिया है, हमने इस्लाम कबूल कर लिया। ईमान तो कोई और चीज़ है, वो जब दिल में उतर जाता है फिर वो पैगंबर की शख्सियत उतरती है, पैगंबर की ज़ात दिल में उतरती है, पैगंबर की बातें दिल में उतरती हैं, पैगंबर का चेहरा दिल में उतरता है, पैगंबर की सुन्नतें दिल में उतरती हैं, उनकी सुबहें दिल में उतरती हैं, उनकी शामें दिल में उतरती हैं, उनका अखलाक दिल में उतरता है, उनका किरदार दिल में उतरता है, उनकी बातें दिल में घर कर जाती हैं, फिर किसी और की खबर ही नहीं रहती, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, इसकी खबर नहीं रहती। वो सुबह भी कहता है ये पैगंबर की सुन्नत है, वो शाम भी कहता है पैगंबर की सुन्नत है, वो मजमे में कहता है पैगंबर ने ऐसे कहा, वो दो टोक कहता है
पैगंबर ने ऐसे कहा, वो यूनाइटेड नेशन में बैठ के अक्वाम मुत्तहिदा के सामने जब तक ईमान इतना मजबूत ना हो जाए, वो अपनी तहजीब की बातें कर रहे हूँ, वो अपने कल्चर की बातें कर रहे हूँ, और मुसलमानों का हुक्मरान कहता हो तुम झूठ बकते हो। हमारे पैगंबर ने इस बात को ऐसे बयान किया है, जब ये कैफियत होती है तो इसे कहते हैं ये पैगंबर पे ईमान लाया है, इसने माना है उसको और मानने का हक अदा कर दिया है। सहाबा ने ऐसे ही तो माना था। कैसा ईमान, कैसा ईमान! कमजोर सहाबा अपने इलाके से भागे हुए, हालात के सताए हुए, दुश्मनों से डरे हुए, जान बचाने के लिए ऐसे इलाके में गए कि बादशाह ने उनको पॉलिटिकल असाइलम दी है, सियासी पनाह दी है। है वो काफिर लेकिन उसकी ममलकत में अदल है, इंसाफ है, बाहर से आने वाले मेहमानों की खबरगीरी है। वहां चले जाते हैं और अपनी अदालत में खड़ा करके, लंबा वाक्य सुना होगा आपने, मशहूर और मारूफ है लेकिन ईमान समझाना चाहता हूं। वो पूछता है, अच्छा तुम्हारा ईसा के बारे में क्या ख्याल है? और उसके अपने अहम मजहबों में ये बात भी कही हुई है, देखना ये जनाब ईसा के गुस्ताख हैं। दलील क्या है? ये ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, ये तुम्हारे नबी के गुस्ताख हैं। अब देखिए कितना बड़ा इम्तिहान होता है। एक बात वो है जो पैगंबर ने सिखाई है, एक बात वो है जो पैगंबर ने पढ़ाई है, और कहनी भी वहाँ है जहाँ बादशाह का दरबार लगा है, और उस मुल्क में है जहाँ अपना कुछ भी नहीं है, और ऐसे हालात में है कि जब सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पनाह लेने आए हुए हैं, कमज़ोर हैं, तो उस वक़्त भी मुसलमानों ने क्या खूबसूरत अंदाज अपनाया। उसने कहा, जनाब ईसा के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है? हम होते तो कह देते कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, पूरी दुनिया की मुखालफत कैसे टक्कर ले लें, हम कमज़ोर हैं, हालात ऐसे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? जो हमारे पैगंबर ने हमें तालीम दी है, मैं तुम्हें उसके रब ने जो कलाम नाजिल किया है उसकी रोशनी में पढ़ के बताता हूँ जनाब ईसा के बारे में हमारा ईमान क्या है। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا। सूरह मरियम की तिलावत की और बताया कि जनाब ईसा अल्लाह के बंदे हैं, मरियम के बेटे हैं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। ईमान इसे कहते हैं। क्या आपको माना? पैगंबर माना, रसूल माना, ये माना कि दीन में वो अपनी मर्ज़ी से बोलते ही नहीं, ये माना वो वही बोलते हैं जो उनके ऊपर कुरान उतरता है, ये माना कि वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। फिर इन हालात में भी मान लेना जब अपने बुजुर्ग कुछ और कहते हों, पैगंबर की हदीस और कुरान कुछ और कहता हो, जब अपना मसलक कुछ और कहता हो, पैगंबर की हदीस कुरान कुछ और कहता हो, अपना फिरका कुछ और कहता हो, पैगंबर की हदीस और कुरान कुछ और कहता हो, अपने अपने बनाए हुए ईमान कुछ और कहते हो, पैगंबर का कुरान और हदीस कुछ और कहती हो, तो यूं आंखें बंद करके मान लेना कि पैगंबर ने कहा है, पैगंबर ने कहा है, कुरान में आया है, कुरान में आया है। अगर ऐसे ही है फिर मेरा फिरका, मेरा मसलक, मेरा इमाम, मेरा बुजुर्ग, मेरा पीर झूठा हो सकता है? जिसका मैंने कलमा पढ़ा है मैं तो उसकी मानता हूँ ना, इसे ईमान कहते हैं। और मैं अपने नौजवान बेटों से खुसूसन कहना चाहता हूँ,
ईमान में यह चीज भी शामिल है। हालात कुछ और कहते हैं, कुरान कुछ और कहता है, हालात कुछ और कहते हैं, पैगंबर की बातें कुछ और कहती हैं, दुनिया बदल गई है कुछ और कहती है, कुरान कुछ और कहता है, पैगंबर की बातें कुछ और कहती हैं। हालात को खातिर में ना लाना, सामने देख भी रहे नहीं, हालात तो ऐसे नहीं कह रहे लेकिन नजर आ रहा है हदीस कुछ और कह रही है। अपनी आंखों को झूठा कह देना, ए मेरी आंखों तुम झूठी हो सकती हो, ए मेरी अकल तू गलत सोच सकती है, मेरे पैगंबर की हदीस आ गई है, हदीस तो सच्ची होती है। जनाबे सुराखा पकड़ने आए, ऊंटों की लालच में, पैगंबर तो पैगंबर था, रब की हिफाजत में, जमीन के अंदर घोड़े की अगली टांगें धंसा दी गई, अमान नामा मांगा दे दिया गया, पैगंबर ने नसीहत को पढ़ा, घोड़ों ऊंटों की लालच में मुझे पकड़ने आया है। कहा सुराखा, सुराखा तुम ऊंटों की लालच रखते हो, मेरा दीन तो वो दीन है कि अगर तुम मेरा कलमा पढ़ लो तो वो दिन भी आएगा, अल्लाह तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन दे देगा। आप ईमान को क्या समझते हैं? उन हालात में जब मक्का से खुद हिजरत कर रहे हैं, उन हालात में जब जान के लाले पड़े हुए हैं, उन हालात में जब खाने काबा में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उन हालात में जब मक्का में रहने नहीं दिया जा रहा, आपका अपना ईमान भी अपने दीन पे कैसे है और अपने मानने वालों की तरबियत भी कैसे है? कहा सुराखा, सुराखा मेरा दीन तो वो है, इसको मान के तो देखो, वो वक्त भी आएगा कि किसरा का ताज गिरेगा, कंगन तेरे हाथ में आएंगे। फिर जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, किसरा का तख्त फतह कर दिया गया, उसके कंगन हाथ में पकड़ लिए गए, और सहाबा का ईमान ऐसा कि इतने सालों से याद है, कहते हैं इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, नहीं पैगंबर ने कहा था सुराखा वो वक्त भी आएगा, सोने के कंगन तेरे हाथ में आएंगे। सुराखा आया और किसरा के कंगन सुराखा के हाथ में दे दिए गए, इसे ईमान कहते हैं। आप ये कहते हैं अच्छा हदीस में तो आया है लेकिन बैनुल अक्वामी कानून ये कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स ये कहते हैं, फुला फुला मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आईन ये कहता है। इतनी शर्म की बात, पैगंबर की हदीस और कुरान के होते हुए वो भी अपने आप को सच्चे आशिक कहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठ के बहस करते हैं, शराब का लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं, शर्म आनी चाहिए इस ईमान को ईमान कहते हुए। ये ईमान है, ये पैगंबर पे ईमान है कि कुरान कहे शराब पलीद है, पैगंबर कहे शराबी पे लानत, पीने वाले पे लानत, पिलाने वाले पे लानत, बेचने वाले पे लानत, कीमत खाने वाले पे लानत, लोड करने वाले पे लानत, उसे दूसरे तक पहुंचाने वाले पे लानत, पहुंचाने का आर्डर देने वाले पे लानत। और हम बैठ के सोच रहे हैं अच्छा शराब का लाइसेंस 7-स्टार होटल्स में मिलना चाहिए कि नहीं, इसे आप ईमान कहते हैं, इसे आप इश्क मुस्तफा कहते हैं। फिर एक और अजीब हरकत, अच्छा पैगंबर की हदीस तो है लेकिन साइंस ऐसे कहती है, फलसफा ऐसे कहता है, अमेरिका की फलां यूनिवर्सिटी में तहकीक हुई है उसकी फाइंडिंग्स ये हैं, यूरोप के फलां साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने ये रिजल्ट्स दिए हैं, ये ईमान है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान की कसम उठा के कहता हूं ईमान ऐसा नहीं होता।
ईमान ये होता है, ईमान ये होता है। जनाब सिद्दीक बैठे हैं, काफिर आके कहते हैं सिद्दीक क्या हुआ? वो सुने हैं तुमने क्या? वो अजीब बात सुनिए, क्या अजीब बात? वो जिसको तुम नबी मानते हो वो कहते हैं रात का कुछ वक्त था, मैं यहाँ से बैतुल मक़दिस पहुँचा, बैतुल मक़दिस से पहले आसमान पे, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे पहुँचा। उस दौर के अंदर इसकी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हो सकती थी? उस दौर में लॉजिकली इसको अप्रूव किया जा सकता था? उस दौर में और वो अपनी तरफ से कितनी बड़ी आए थे कि अबू बकर उसको पैगंबर मानते हो जो ऐसी बातें करता है? जनाबे अबू बकर ने एक ही पूछा था, कौन कहता है? तुम्हारा नबी कहता है। जनाबे अबू बकर ने किस ईमान और शान से कहा होगा मेरा नबी कहता है तो सच ही कहता है, मेरा नबी कहता है तो सच ही कहता है। इसे ईमान कहते हैं। इतना कमजोर ईमान अगर ये बताया जाए कि पैगंबर की सुन्नत है खाने के बाद उंगलियों को चाटना, तो आपको वसवसे पैदा होने लगें, पता नहीं क्या क्या जरासीम चले जाते होंगे। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च कह दे कि उंगलियों को चाटने में ऐसी चीज़ होती है कि उससे डाइजेस्टिव कुछ चीज़ें निकलती हैं, तो फिर आप मान लें ये ईमान है? पैगंबर पे ईमान, पैगंबर पे यकीन, पैगंबर की बातों पे यकीन, आपकी लाई हुई शरीयत पे यकीन, आपके बताए हुए निज़ाम पे यकीन, माशी निज़ाम पे, सियासी निज़ाम पे, माशरती निज़ाम पे, ख़ानदानी निज़ाम पे, आपकी सकाफत पे यकीन, आपके कल्चर पे यकीन, आपकी बात पे यकीन, आपकी एक एक इबादत पे यकीन, ना उससे कुछ कमी की जाए ना उसके अंदर अपनी तरफ से इजाफा किया जाए, इसे ईमान कहते हैं। अल्लाह से दुआ है मुझे और आपको ऐसा सच्चा ईमान नसीब फरमा दे। वआखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं। बाद हम दो सना हर जगह आप हैं, मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं। आप रब का करम, आप रब की अता, आप रब का करम, आप रब की अता, आप ही हैं दुआए खली खुदा। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, बाद हम दो सना हर जगह आप हैं, मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं। लैलतुल मेराज आपकी शान है, लैलतुल की शान है, सैर असरा जो है एक बुरहान है। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, बाद हम दो सना हर जगह आप हैं, मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं। आपके नाम से मन महकने लगे, आपके नाम से मन महकने लगे, रूह तड़पने लगे, दिल धड़कने लगे। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, बाद हम दो सना हर जगह आप हैं, मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं।
आप चमके तो इंसान सितारे बने, आप चमके तो इंसान सितारे बने, रुशद की रोशनी के मीनारे बने। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, बाद हम दो सना हर जगह आप हैं। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, आस है आपसे मिलने आएंगे हम, आस है आपसे मिलने आएंगे हम, हाल दिल आंसों से सुनाएंगे हम। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, बाद हम दो सना हर जगह आप हैं। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, देखेंगे जलवगाहे नबी रूबरू, देखेंगे जलवगाहे नबी रूबरू, बस उसी शब से आंखें हैं महवे वुजू। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, बाद हम दो सना हर जगह आप हैं। मुस्तफा आप हैं, मुजतबा आप हैं, ये जो चेहरे मेरे पे है दिखती कशिश, ये जो चेहरे मेरे पे है दिखती कशिश, आपके प्यार की इश्क की है तपिश। मुस्तफा